बिग बॉस के घर में इस वक्त घमासान हो गया है। जी हाँ, धमकी दे दी है फुकरा इंसान को बेबिका ने। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, चलिए मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं ज्योति नाहक। इस वक्त बेबिका को बिग बॉस ने टास्क दिया जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत जल्द बिग बॉस बेबिका को ये कहने वाले हैं कि आप फेस रीडिंग कीजिए कुछ लोगों की। तो ऐसे में फेस रीडिंग में सबसे पहले उन्होंने ऑफकोर्स चार लोगों की फेस रीडिंग, जिया पूजा अभिषेक और मनीषा। तो सबसे पहले अभिषेक यानी फुकरा इंसान की उन्होंने फेस रीडिंग की और उस फेस रीडिंग में उन्होंने बवाल मचा दिया। बेबिका कहती है झूठ बहुत बोलता है, लॉयल नहीं है, दो फेसेस है, दिल का राजा है, लोगों को लेके चलने की ख्वाहिश है, क्रिएटिविटी अच्छी है, कंटेंट चुराना बंद कर, अपने कंटेंट पर ध्यान दे, दूसरों को मत देख। ये सारी बातें उन्होंने कही है अभिषेक के लिए यानी फुकरा इंसान के लिए। जिसके बाद कहीं ना कहीं अभिषेक ने भी कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। बेबिका जो है वो ये भी कहती नजर आई फुकरा इंसान को कि किस मुंह तेरे बहुत सारे चेहरे हैं, जिसके बाद अभिषेक कहते हैं कि हाँ मेरे 100 चेहरे हैं। तो बेबिका कहती हैं कि नहीं 100 नहीं, 2 चेहरे हैं, तू बता किस चेहरे पर थप्पड़ खाना पसंद करेगा। तो ऐसा लग रहा है बेबिका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रही हैं घर के अंदर और बिना किसी ठोस चीज़ के, बिना किसी एक्यूरेट चीज़ के बहुत अननेसेसरी वो ड्रामा जो है वो कर रही हैं क्रिएट, और बहुत ज़्यादा प्रेडिकमेंट है उनके शब्दों में और बहुत ही तेज तरार बातें जो होती हैं वो इस वक्त बेबिका जो है वो कर रही हैं। और ऐसे में जैसे ही उन्होंने अभिषेक को ये कहा है तो कई सारे लोग हैरान हो गए कि अचानक से ये इतना क्या एंटी हो गई है अभिषेक को लेकर, क्योंकि उन्होंने क्लियरली ये बात कही कि किस मुँह पर थप्पड़ खाएगा बता। जिसके बाद अभिषेक ने कहा कि तेरी अभी इतनी तू अभी इतनी बड़ी नहीं है कि तू मुझे थप्पड़ मारेगी। जिसके बाद बेबिका ने कहा कि तू मेरे इर्द गिर्द भी नहीं आता कहीं एक्स वाई जेड। तो ये औकात वाली बातें जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत कहा है बेबिका ने। आपको क्या लगता है बताइएगा।